So where we have a 4 acres of area, in that we build a ashrama, yoga, ayurveda, panchakarma, holistic healing center, all the sanatana bhartiya healing systems jo hai hum udhar sikhate hain, training bhi dete hain. So main pichle 20 saal se, so 2004 se hum wo chala, actually the ashrama started 1989. बट मैंने हमारे फादर गुरुजी डॉक्टर बसवराज भैली उन्होंने फाउंडर किए हैं. तो उधर से तब से मैं 2004 से उधर से सीखते सीखते सिखाता सिखाता अभी तक इधर आया हूँ. तो मैं यूजुअली आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ. आई ऑल्सो आई एम एसोसिएट विद द आयुर्वेदिक कॉलेज. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर. सो नाउ वी आर आई केम फॉर विजिट टू द वैंकूवर सिंस माय ब्रदर स्टेइंग हियर विश्वनाथ. तो ऐसा सोचा कि हमका हमारे पास जो ज्ञान है हम जो सीखे हैं उसको बांट दें. सो जब हम लक्ष्मीनारायण मंदिर में आए तो पता चला कि हियर वी हैव द बिग एचएसएस. सो आई टुक लास्ट सैटरडे लास्ट ट्यूजडे आल्सो सम ग्लिम्स ऑफ सम योगिक पोस्चर्स अबाउट सूर्य नमस्कार. सो थॉट कि वी हैव सम अदर योगिक सेशंस थोड़ा हट के, क्योंकि योगा तो सब तरह सब जगह सबको मालूम है आज. सो इट इज अ ग्लोबलाइज्ड नाउ. सो एज वी हैव इंटरनेशनल योगा डे, सो एवरीवन नोस अबाउट योगा, योगासन, प्राणायाम, अष्टांग योग जो हमारे पतंजलि महर्षि ने दिए हैं उसके बारे में बहुत 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 लोगों ने सीख रहे हैं, सिखाते रहे हैं. आजकल जो हम देख रहे हैं तो गुरुज आर लेस, गुरुज आर मोर देन द सीकर्स. सो टीचर्स आर मोर देन द स्टूडेंट्स नाउ. सो वो इन द फील्ड ऑफ योगा. सो हिंदी इंग्लिश इज ओके नाउ फॉर एवरीवन. सो ओके, सो नाउ वी हैव अ टुडे स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दिस अबाउट द मेडिकल योगा. सो व्हाट वी आर डूइंग द ट्रेडिशनल योगा. सो वी आर टीचिंग ओवर देयर एंड वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर देयर अबाउट द पेशेंट, ऑल द पेशेंट्स. So how we can treat with the yoga therapy such a daily, in daily cases what we say like neck pain, back pain, knee pain, these are the main pains where we get in day to day life because of our improper posture, imbalanced posture. जो हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे वॉक करते हैं, कैसे सोते हैं, that all depends. Okay, so आप बोलते रहते हैं मैं रोज योगा करता हूँ, मैं रोज जिम जाता हूँ, इवन दैट इज ऑल्सो आई एम गेटिंग नेक पेन, बैक पेन एंड नी पेन. वाई? बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट करेक्ट पोस्चर. वी आर नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर पोस्चर ऑफ अवर बैक, ऑफ अवर नेक, ऑफ अवर नीज. ओके, सो वेयर इट अगेन रिपीट्स, इवन दो आई एम डूइंग ऑल टाइप ऑफ जिम और जिम वर्क्स और सम फिजियोथेरेपी और सम योगिक पोस्चर, but even though it is not completely cured means because we are not preventing it. Unless and until we don't prevent it, it will again recurrence will be there. Okay, so aata rehta hai. So humne ye jo model banaya hai medical yoga therapy karke, it is completely based on the preventing approach, preventing approach, kyunki yoga is completely based on the preventive aspect more than the curative aspect. Prevent some with a small involvement of the posture correction, you can avoid any type of pains, whether it is neck pain, whether it is back pain, whether it is anything, everything. So now in day to day life what we are seeing because of our lifestyle, so hum teen type ki kaam karte hain. Ek jo for एक्टिविटी जो काम करते हैं टाइप वन में बैठे करते हैं, टाइप टू में खड़े रह के करते हैं, टाइप थ्री में चल के पैदल चल के काम. सो इट इज अ सिंगल मोनो एक्टिव स्ट्रेस वर्क. बैठते हैं तो बैठते हैं, चार पांच घंटे बैठते 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 कंप्यूटर के सामने बैठते बैठते काम करते रहते हैं. पानी पीने के लिए भी हम होते नहीं, उतना व्यस्त होते हैं बैठते बैठते बैठते. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दैट we are getting the improper balance or imbalance in our posture. So baithe to kya hota hai? So we should not, body is not to created just for
just for sitting or just for standing or just for walking. It has so many bones. Means how many bones in our body, human body, you know? 206. That's all very sharp than me. 206. Okay. So how many muscles? Kitna maspeshi. There are more than 600 muscles in our body. So, and billions, billions of nerves, length of nerve. जब हम बैठते हैं, बैठे तो भी तनाव पड़ता है, खड़े रहे तो भी तनाव पड़ता है, सोए तो भी तनाव पड़ता है. वो तनाव को, उस स्ट्रेस को हम कैसा बैलेंस कर सके, ये जो योग आपको सिखाता है. When you sit, what is the proper sitting posture? When you sleep, what is the proper sleeping posture? When you stand, what is the proper standing posture? That all matters. So if you have awareness on these postures, definitely you're not getting any type of pains or any type of disorders like cervical. We see a lot of in here. I don't know whether people are suffering from spondylosis, but in India, because of the lifestyle, because of the roads, okay, so we're getting a lot of patients with the cervical and lumbar spondylosis. And the old age, knee problems. So in India, from starting from the 25, even they are not getting married also, they are getting back pain with a herniation, with a disc bulge. So it is very common over there, but here I don't know. But because here maybe people are very working towards any activities, to karte rehte hai idhar. Park, jo bada bada park hai, gyms hai, activities karte hai. Maybe the revelation is less here, I think. So, हम जो इधर टॉपिक लेके आए मेडिकल योगा थेरेपी वर्कशॉप, इसमें आपको मेरे को क्या बोलना है, जब जो भी आप काम करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग द वर्क, यू डू विथ अवेयरनेस. हमारे शरीर के ऊपर अवेयरनेस देना है बस, जस्ट अवेयर. जस्ट आप खड़े रहते हैं, कैसा खड़े रहने, जस्ट टेक इट अवेयरनेस. बैठते हैं थोड़ा, मैं बैठा हूँ कैसा, बैठा ठीक बैठा या नहीं, दस अवेयर. सो योगा इज द अवेयरनेस, बिकॉज बॉडी इज द मीडिया थ्रू विच वी कैन डू एनीथिंग. शरीर माध्यम करो धर्म साधना. शरीर ये जो माध्यम है, इसके बिना कुछ हम नहीं कर सकते. चाहे कितना लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, क्या भी हो, शरीर ठीक नहीं तो क्या करेंगे. सो वी हैव टू बी अवेयर विथ योर ओन बॉडी. So that is the real meaning of yoga. Yoga is means not just a posture, not just a breathing technique, not just the sitting calm, quiet for 10 minutes. No. It is the way of life. Every minute, every second, have to be aware with your own body. What I am eating, what I am doing, everything you should aware. Okay? So, hum jo idhar topic hai, aisa जैसा हम जो इधर करते हैं, लोग देखते हैं, बाकी मोस्ट ओवर द पीपल हियर वर्किंग विद अ ऑफिशियल वर्क लाइक सिटिंग जॉब, स्टैंडिंग जॉब एंड द वॉकिंग जॉब. सो उनके लिए हमने क्या किए हैं, कैसा खड़ा रहने, कैसा बैठने का. आप जो बैठे हैं इधर, ओके, सो पहला मैं बोलता हूँ खड़े रहने का, स्टैंडिंग. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग, वेन एवर वी हैव मीटिंग्स, हम जैसा खड़े रहते हैं, किसी किसी में ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, किसी किसी का ऐसा खड़े रहते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर. सो हियर ब्रेन बॉडी एक्सिस आता है. हमारा जो ब्रेन है सीधा रहने का, हमारा जो पाव है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह आता है. सो वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो इफ यू मेंटेन द करेक्ट पोस्चर, so that gravity pulling action will be in the balanced way. Okay, so if you are not in the correct posture, the gravity pull करता रहता है, so imbalance हो जाता है. खड़े रह कैसे रहने का, हम जो भी खड़े रहते हैं ऐसा 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 टेढ़ा टेढ़ा. so but what is the correct posture, you have to keep your both feet with the length of your shoulder. अपना जो shoulder कंधा है कितना length है, उतना feet डिस्टेंस होना. इधर से इधर तक कितना लेंथ होता है, उधर से उधर सेम रहना है, ठीक है, ताकि ना कि ऐसा, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा. ओके, सो सेम इक्वल पोस्चर.
रहना है, सेम डिस्टेंस रहना है, कंधे का जो डिस्टेंस है पांव का भी सेम डिस्टेंस होना है, ओके। देन यू हैव टू बैलेंस आल्सो फर्स्ट फीट, देन कम्स द नीज। नीज ऐसा टक करके ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट बेंड, सॉफ्ट बेंड मतलब ऐसा बेंड नहीं है, थोड़ा सॉफ्टनेस रहना है, नी में सॉफ्टनेस रहना है, ओके। ऐसा खड़े रहकर ऐसा पूरा स्ट्रेच करके खींचते रहते हैं किसी किसी को, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओके। सो सॉफ्ट बेंड रहना है थोड़ा सा। देन यू हैव टू टेक योर केयर ऑफ योर बैक। सो बैक अपने जैसा ऐसा ऐसा खड़े रहते हैं, किसी किसी लोग ऐसा वर्क करते हैं, थोड़ा मोटा पर रहते हैं ऐसा ऐसा वॉक करते रहते हैं, नहीं तो ऐसा ऐसा वॉक करते रहते हैं, वॉकिंग स्टाइल भी खड़ा कर लेते हैं हमारे बॉडी के वजह से। सो इसमें वॉकिंग कैसा करना वो भी अवेयरनेस लेना है, खड़े कैसे रहने का मैंने बोला, डिस्टेंस रहना है, नी बेंड सॉफ्ट रहना है, कंधे का डिस्टेंस रहना है और छाती थोड़ा सा वाइडनिंग होना है। जब भी आप खड़े रहते हो बातें करते रहते हो, खड़ा रह के आराम से सीधे से बोलो, सीधे से बोलना है, सीधे से देखना है और हमारा बॉडी को अवेयरनेस देना है। तो बैठता बैठना कैसा है, सो व्हेनेवर यू सिट, ओके, सो यू सिट नॉट लाइक दिस, आराम से बैठ जाते हो। सो इधर क्या हुआ, चेंज हो गया, इधर चेंज हो गया, बैलेंस चेंज हो गया, इम्प्रॉपर। सो व्हेनेवर यू सिट जस्ट सिट लाइक दिस, दिख रहा है ना सबको, should take back support if it is your back chair jo hai pura back support lena hai aisa nahi hai aisa bhi nahi hai aisa baith ke kaam karte ho aisa bhi nahi jo hamara back hai from coccyx to axial axial bone bolte hai coccyx bole to tail bone ke niche aata hai usko theek rakhne ka hai aisa sarak gaya to pura pressure coccyx ke upar padta hai कॉसिक जो है उसका प्रेशर फिर अल्फा एस वन हमारा जो रीड है रीड में कितने बोन से 32 बोन्स ऑफ स्पाइनल बोन्स भी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सियल बोन एंडिंग फ्रॉम द कॉक्सियल बोन इसमें 32 टाइप्स ऑफ इंटरवर्टिबल बोन्स आता है हर एक बोन्स के बीच में डिस्क आता है सो द डिस्क इज द शॉक ऑब्जर्वर इट एक्ट्स लाइक अ शॉक ऑब्जर्वर जो भी दबाव है तनाव है वो पकड़ लेता है इट डजंट ट्रांसफर टू ऑन द बोन्स और द नर्व्स ओके इट्स कंप्लीटली ट्रांसफर वो जो हमारा वजन है बॉडी का वजन है सो आवर स्पाइन इज टेकिंग ऑफ द आवर बॉडी वेट 70% ऑफ द बॉडी वेट इज टेकन ऑन द स्पाइन ओनली 70% देह का जो हमारा भार है स्पाइन के ऊपर ही पड़ता है सो इसको हम हमारे भाषा में क्या बोलते हैं लक्ष्मी खंभ बोलते हैं लक्ष्मी खंभ क्या बोलते हैं आपको होल 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 पुराने घर में आपने देखे होंगे जो भी हमारा कर्नाटक वाले हैं महाराष्ट्र वाले हैं उनके घर में पुराने घर में लक्ष्मी होल करके रहता था घर के बीच में उसको पूजा कर देते क्यों पूजा कर देते किसी को उसको दबाना नहीं किसी का नहीं करने का क्योंकि वो पोल थोड़ा सा अटक गए तो पूरा घर नाश होता था सो ऐसा ही हमारे पोल है हमारा लक्ष्मी पोल है ओके सो दिस इज द मेन पिलर ऑफ आवर बॉडी इफ समथिंग हैपेंस टू दिस पिलर देन एवरीथिंग विल बी गो ऑन डिस्ट्रक्शन बिकॉज व्हाट एवर द ब्रेन एक्सेस बॉडी एक्सेस ब्रेन का जो नस नाड़िया है पूरा वो स्पाइन के अंदर ही आता है सो व्हेनेवर द स्पाइन इज गेट डिस्ट्रैक्टेड इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन अवर स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल नर्व को अफेक्ट हो गया जो भी नस नाड़ियां आता है हार्ट को आता है शिर को आता है कान को आता है आईज को आता है ओके तो पेट को आता है डिस्टर्ब हो जाता है मेटाबॉलिज्म विल बी डिस्टर्ब कंप्लीटली डिस्टर्ब सो इट इज प्रूव्ड एक्चुअली If the imbalance posture creating the improper metabolism, हम जो बैठते बैठते posture गलत से बैठ जाते हैं खाना हजम नहीं होता gas formation होता है क्यों होता है Because there is an imbalance pressure on the nerves, nerve coordination अच्छी तरह से नहीं हो पाता है
मसल के दबाव पर, पहला मसल के ऊपर दबाव पड़ता है, मसल से बोन से, बोन से सो वन अनदर टू अनदर, सो लिम फिल की डेथ. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्पाइन करेक्टली व्हेनेवर यू सिट. ओके, जस्ट सिट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, जस्ट योर, जो हमारा थाई बोन है, थाई बोन एंड द कॉल नी जॉइंट 90 डिग्री, शुड बी 90 डिग्री. And whenever you sit in front of your laptop or computer, just make in front of you, make it upside, not like this, like neck down. Neck should be straight. Okay, make structure the correct way. You have to keep the, make a table yourself, not the down, not the back. Just sit in the straight. ऐसा भी होता है. कितने घंटे ऐसे हम बैठ सकते हैं? That is also not possible. So continuously, if you are sitting for like this 1 hour, it is not possible. बोलने में बहुत easy लगता है, मगर in the during the practical, it is not possible. So in that case, what you have to do, something like some stretching exercise. Okay, when you sit for at least for 1 hour, just take your arms up. Okay, stretch your arms. Just inhale three to five times. Okay, inhale 3 to 5 times. Not just stretch it up. स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच बोले तो कैसे करने का, पूरा अपना जो कॉसिक्स बोन है उधर से लेके पूरा स्पाइन को स्ट्रेच करना है, शोल्डर को स्ट्रेच करना है, एल्बोस को स्ट्रेच करना है, रिस्ट जॉइंट को भी स्ट्रेच करना है, और फिंगर्स को. सो कंप्लीट योर स्पाइन इज गेटिंग स्ट्रेच. सो व्हेन स्पाइन इज गेटिंग स्ट्रेच देयर विल बी अ डीप प्रेशर, मींस प्रेशर जो इंटरवर्टिकल डिस्क उसके ऊपर कम होता जाता है, पूरा खींचता है. खींचने से क्या होता है, जो इन बिटवीन बोन्स देयर विल बी प्रेशर, देयर विल बी तनाव, देयर विल बी स्ट्रेस, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड. सो व्हेन देयर विल बी स्ट्रेसनेस इज देयर इनफ टू फ्लो ऑफ ब्लड, माइक्रो वेसल्स रहता है स्पाइन के अंदर, माइक्रो वेसल्स वो पूरा ओपन हो जाता है. सो व्हेन यू सिट फॉर लॉन्गर टाइम इन द कॉम्प्रेस वे, इन द इंबैलेंस वे, all these micro vessels are blocked. So block हुए तो जो हमारा प्राण शक्ति है, प्राण वायु है, वो भी block हो जाता है. So in that way it will hindrance our the nervous system, muscular system, musculoskeletal system. अगर musculoskeletal system में imbalance हो गया, again it will create pressure on the nerves, micro vessels. So if the micro vessels are get struck, there is no enough prana, enough blood circulation, the metabolism will be weakened. Okay, so take care of your spine, that you should sit straight. So whenever you are not possible to sit straight for longer time, just to stretching, this is one type of stretching, and you have to make a twist of your spine. Take, put your one right hand on the left side of the chair and left hand on the left side, back side. Okay, don't lean backward, just sit straight, back straight. Aisa rakhna hai, haath aisa rakhiye. Just hold this hand, and now you check yourself whether your spine is straight or lean forwarded or backwarded. Beta palms idhar rakhna hai. Yes, correct. Now you twist your spine, twist it. Twist it as much as you can. Simple posture but great effect. पकड़ना, धीरे से छोड़िए. अब दूसरी तरफ सर को पकड़ना है. Stretch देना. Simple. पूरा stretch कीजिए. कितना होता है उतना करिए. And deep breathing. 3 to 5 times. Then slowly release. देखिए आराम से. नाउ अगेन यू कैन सिट फॉर 1 hour. सो लाइक दैट यू हैव टू गिव योर बॉडी स्ट्रेचिंग, अल्टरनेट स्ट्रेचिंग, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, रिलैक्सेशन, दीज आर द 3 मेन कीज इन द पोस्चरल बैलेंसिंग.
पोस्टर बैलेंस में थ्री मेन किया था, कॉन्ट्रैक्शन करना है, एक्सपांशन करना है। सो व्हेनेवर यू सिट जस्ट टू दिस थ्री टाइम टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग यू कैन सिट फॉर आराम से फॉर अगेन अनदर। सो दिस इज फॉर द सिटिंग पोस्टर करेक्शन। सो व्हाट अबाउट द स्लीपिंग, स्लीपिंग में बाद में बोलता हूँ, स्टैंडिंग में करेक्शन हो गया, और जब हम बैठते बैठते जाते हैं, खड़े होते जाते हैं, पूरा जो बार है, मैंने बोला 70% ऑफ द बॉडी वेट इज टेकन केयर बाय द स्पाइन, वो भी स्पाइन में भी पूरा बार दिख रहा है, इसमें आता है पीछे लंबा रूप सर्वाइकल आता है, थोरासिक बोला था बाद में लंबा आता है, पूरा वो लंबा में पूरा हमारा जो बॉडी वजन है। So, we are getting spondylosis, this bulge, only in the lumbar area, not in the thoracic area. Yes, we may get in the cervical area also, because of the improper posture of sitting, and also long time working with a computer and long riding with a bike, we are getting cervical spondylosis. But long time of sitting, long time of standing, okay? Long time of any activities with the legs, we are getting the lumbar spondylosis. How to avoid? How to prevent that? So even if you get back pain, so it is firstly because of your muscles. So when the muscles are not stretched, continuous बैठने बैठने से होता है, muscle में contraction आता है. Muscles will get contracted. Muscle contract हो गया तो prolong microvessels will be blocked. प्राणशक्ति ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक विल गेट द तनाव पड़ जाता है, उससे बैक पेन आता है, वो तनाव जो है हमारे बोन्स के ऊपर पड़ता है, बोन्स से फिर नर्व के ऊपर, सेम वे दिस ट्रांसफर। सो आपको क्या करना है, सिंपल में होगा, अगर आपको बैक का दर्द हो, पेन हो, सिंपल पोस्चर में बोलना बेटा जरा काफी सो जाए, सिर उतर, सिर उस तरफ, हेड दिस साइड, जस्ट लेट डाउन ऑन योर बैक, ऑन योर बैक, ऑन योर बैक, यस, लेग्स ऊपर, यस, बेंड कीजिए, बेंड 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 योर लेग्स, यस, कीप इट ऑन द चेयर, अप, लेग्स अप, in this posture you have to lie down. इसमें क्या करना है, सीधा रह के अपने श्वास के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, you have to be concentrated with your breath on your abdomen. Whenever you have back pain, just start with this posture. Okay? So lying down, simple, this is simple one, but very, very most effective. Within 10-15 minutes, your back pain will be reduced to 50%. No any medicine, no nothing. Okay? इसको, मगर इसमें क्या करना है, और एक उसको add-on effect देने के लिए, अपने श्वास को पूरा भरना है. You have to fill the air with the stomach. Then you have to exhale. Exhale करके पीठ को नीचे दबाना है. सो यू हैव टू इनहेल, सो एंड एक्सहेल, देन यू हैव टू पुट योर व्हाट योर ट्रंपार, ट्रंप को जमीन को लगाना है, प्रेशर देना, देन यू हैव टू रिलीज इट. ओके, सो वी डू दैट प्रैक्टिकल सेशन, आपको दिखा देते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट थ्योरेटिक, इट इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. अपने अपने चेयर के ऊपर सो जाएंगे, सो दैट यू कैन फील दैट चेंजेस, जो अपने शरीर में क्या इफेक्ट होता है, यू हैव टू चेक. कैसा लगा, हां मजा आया? हां.